10 साल की उम्र में मेरे भाई का देहांत हो गया, उनका इंतकाल हो गया, पानी में डूब गया और मैं देखते रहा। मैं 10 साल का था, वो 17 साल के थे। वहां से मेरी जिंदगी बदल गई। मेरे माँ ने मुझे संभाला, मुझे हर चीज से डर लगता था। फटाके फूटते थे तो मैं बिस्तर के नीचे घुस जाता था। हम खोली में रहते थे 10x10 की, जहाँ पर 3 पायखाना था और 30 लोग थे उस 7 खोली में। तो वहाँ पैदा हुआ, वहीं रहे। मैं 11वीं पास करने के बाद में मेरे पास पैसे थे नहीं कॉलेज करने के लिए, तो मैंने अम्मी से बोला मैं नहीं करूँगा, मैं चलेगा, यानी इनको स्ट्रगल करना पड़ता। मैं काम करता था ट्रैवल एजेंसी में, ट्रेड विंग्स करके। वहाँ पे बस स्टॉप पे किसी ने पूछ लिया क्या करते हो, तो मैंने बोला कि भाई मैं यहाँ हूँ। बोला आप क्या करते हैं? बोले मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करता हूँ, अकाउंटेंट हूँ। मैं बोला अच्छा। बोले आप मॉडलिंग क्यों नहीं करते? बोले क्या होता? बोले तुम्हारे तस्वीर लेंगे और तुम्हें पैसे देंगे। मैं बोला मेरी तस्वीर लेंगे मुझे पैसे देंगे? बोला यार मुझे ऐसे काम दे दो। तो वो बोला तू आ जा कल। तो मैं लंच टाइम में काम करता था रामपट रोड पे, जब अपने जहांगीर आर्ट गैलरी के यहाँ ट्रेड विंग्स में, और इनका ऑफिस था डावर्स कॉलेज फ्लोरा फाउंटेन में, नेशनल एडवर्टाइजिंग एजेंसी। यहाँ से चल के लंच टाइम में गया, वहाँ खड़ा हो गया, मिस्टर जैन और मिसेस जैन बैठे थे। देखा, बोले जाके अपने कपड़े का मेजरमेंट दे दो। मैं बोला कपड़े का मेजरमेंट दे दो? कितना मतलब क्या, अब मैं मॉडल बन गया? बोला आपको मॉडल बना रहे हैं। तो बस मॉडलिंग करी और घर माँ को बोला मॉडल बन गया हूँ माँ, मैं आज गया था, मेरे कपड़े वपड़े इनने सिलाए। बोले कि हाँ जब तक होगा नहीं बेटे, तू कुछ बना नहीं है तो देख ले। मैं बोला ठीक है। और वो फिर मॉडलिंग कर ली 7,500 रुपया, ये कुछ ऐसे भी पैसे आए माँ को दिए जाके। बोले देख माँ पैसे भी मिल गए। फिर कुछ दिन बाद फोटो भी आ गए। फिर मैं काम छोड़ दूँ माँ, मैं यही करना चाहता हूँ, मेरे फोटो निकालते रहें और मुझे पैसे देते रहें, ऐसा कुछ हो। तो हंसने लगा। तो आपने बोला हीरो बनने वाला, बोला हीरो बनेगा। तो इन दोनों के बीच में मैं वो काम छोड़ दिया जो स्टडी जॉब था, और बस मॉडलिंग मिलते, खुदा का शुक्र भगवान का कि मुझे काम मिलते गया। सुनील आनंद से मेरी दोस्ती हुई, दोस्ती तो नहीं मगर सुनील आनंद को मैं कहीं मिला और उनने कहा कि डैडी को मिल, मैं तो डैडी को मिलना चाहूंगा क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा फैन रह चुका हूँ। हर मॉर्निंग शो में जाते थे वो, पैसे उड़ाते थे, मैं मिलना चाहूँ। बोले मिला देता हूँ। मुझे लेकर गए वो और उनने मुझे देखे और मॉडलिंग शुरू कर दी थी मैंने। तो सुबह सुबह तुम्हारी तस्वीर देखी, शाम को तुम मेरे सामने खड़े हो, तो मैं रोल जरूर दूंगा, और मुझे रोल दे दिए। मतलब उनने मेरा कोई होर्डिंग देखा था, सुबह सुबह तुम्हारी तस्वीर देखी, शाम को तुम मेरे सामने खड़े हो, तो माल ब्रो मैन है, तुम्हें रोल दूंगा। और मैं रोल, मैं बोला ठीक है, मैं वेरी गुड। तो बोला कि सेकंड लीड है, मैं मेन लीड हूँ। बोला सर तो सेकंड लीड का दे दिया। 15 दिन के बाद में बुलाए गए, फिर मैं गया वहां पर। बोला वो रोल मिठुन को दे दिया हूँ, तो मैं और एक रोल दे रहा हूँ, सीधा शक्ति कपूर का चमचा। खड़े रह गए पीछे। बोले यहीं सीख लेंगे एक्टिंग। हमने तो कुछ ज्यादा सीखे नहीं, हमने अपने काम को खुला रखा और अपने एक्सपीरियंस और अपने दर्द को बाहर किया। जैसे हमने अपनी अम्मी को जाते हुए, अपने अप्पा को देखते, अपने भाई को देखा हुआ जाते हुए आंख के सामने, एक 10 साल का बच्चा, 16-17 साल के बच्चे को जाते हुए देखा, तो वो सारी चीजें दबी हुई है मेरे में। तो कभी भी आ सकता है, वो निकलता है, सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ती, वो सारी चीजें गुद्दे में घुसी हुई है। दूसरों को सुख देने में अपना सुख है बोलता है, ऐसा मेरी माँ बोलती थी। तो अपन वही गरीब बच्चे हैं, अपने जैसे 3 बत्ती के जैसा मैं था, उनके एजुकेशन, उनका ई स्कूल, गांव में जाकर यहाँ रहता हूँ, वहाँ पे 4 गांवों को ई स्कूल लगा दिए, उनके बाथरूम को साफ करता हूँ, उनकी आंखों का करा दिए, किसी को कैटराक्ट, किसी का टेढ़ा बेचारे का, किसी को चश्मा नहीं, ये सब गेम में वो सुखी, दैट इज सक्सेस फॉर मी, दैट इज सक्सेस। कि दूसरों को अपन कुछ करके दे, अपने में इतना जान है कि वो अपना सक्सेस, कि इस्माइल भाई वाटली क्या हंस रहा है भाई, वो हंस दिया तो अपनी खुशी, ये मैं सोच के चल रहा हूँ क्योंकि मेरी अम्मी ने सिखाया।